श्रील प्रभुपाद जी जब इस्कॉन का बहुत प्रचार हो गया था तो उनके कुछ शिष्य प्रभुपाद जी को ही उनका स्थान कम करने का प्रयास कर दिए थे। तो प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया और प्रभुपाद जी ने उनको कहा, एवरीथिंग इज फिनिश्ड नाउ, आई वॉन्ट टू गो बैक। प्रभुपाद जी ने कहा तमाल कृष्ण महाराज से, तो तमाल कृष्ण महाराज बहुत बहुत स्पेशल मतलब शिष्य थे प्रभुपाद जी के, बहुत स्पेशल और बहुत नज़दीकी थे। प्रभुपाद जी इतने अपसेट हो गए थे, उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया और कहा, कैन यू टेक मी आउट ऑफ दिस, ये सबसे तुम क्या मुझे ले जाओगे बाहर। बोले प्रभुपाद, वेयर यू वॉन्ट टू गो? तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, प्रभुपाद यू वॉन्ट टू गो टू न्यूयॉर्क, और अलग अलग जगह नाम लिया। प्रभुपाद ने कहा नो। तो बोले वेयर यू वॉन्ट टू गो? तो प्रभुपाद जी ने कहा आई वॉन्ट टू गो टू इंडिया। तो तमाल कृष्ण महाराज शॉक हो गए, क्योंकि प्रभुपाद जी एक बार जब इंडिया छोड़ रहे थे तब उन्होंने कहा था आई विल नेवर कम बैक टू इंडिया। तो वो टेम्पल था रुक्मिणी द्वारका दिस टेम्पल, ये था आपका ये जो शायद सैन फ्रांसिस्को रुक्मिणी द्वारका दिस टेम्पल जो खुला था। तो बाद में प्रभुपाद जी जाके बोलते थे, जब कृष्ण बलराम मंदिर का ओपनिंग हुआ वृंदावन में, तब प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर बता रहे थे, दैट टाइम आई वॉज नॉट रिमेंबरिंग, आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग। और प्रभुपाद जी रुक्मिणी द्वारका दिस जाके प्रार्थना कर रहे थे, वाई यू वॉन्ट मी टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। तब जब कृष्ण बलराम मंदिर खुला तब बोले नाउ आई अंडरस्टूड, बिकॉज कृष्णा वॉन्टेड मी टू ओपन दिस टेम्पल वृंदावन टेम्पल, एंड दिस इज द बेस्ट टेम्पल इन द होल वर्ल्ड। प्रभुपाद जी ने कहा ये वृंदावन मंदिर चाहते थे भगवान मुझसे, इसलिए मुझे वहाँ से निकाला और मुझे यहाँ ला दिया। तो क्या होता है कभी कभी ये सब ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं ना, दिव्य भगवान की योजना होती है जिसके द्वारा वो अपने भक्तों से कैसी सेवा कराते थे कोई जानता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि गुरु का स्थान एक बहुत ही दिव्य स्तर पर होना चाहिए और हमें उसको अपने हृदय में वैसी सजो कर रखना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, देखिए प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिले 10-11 बार, लगभग 11-12 बार, लेकिन जब गुरु थे तब तो ठीक है, लेकिन गुरु जाने के बाद उन्होंने क्या किया वो इम्पोर्टेंट है ना। तो कई बार जब गुरु सानिध्य में होते हैं तब चलो हमें बड़ा अच्छा लगता है, आज महाराज आ रहे हैं हमारे बीच में, कीर्तन कर रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, इतना उनको देखने का मौका मिल रहा है, हृदय पिघल जाता है कई बार देख करके उनको, कि अरे इस उम्र में भी इतना हमारे लिए कष्ट ले रहे हैं, इतना ज़्यादा कर। लेकिन हमारी गुरु भक्ति उसी दिन सफल होगी जब जो गुरु महाराज ने हमें आदेश दिया है वो हम पालन कर रहे हैं निष्ठा से। क्या आदेश है उनका? 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो, मंगल आरती आओ, खासकर ब्रह्मचारी लोग के लिए और जो भी गृहस्थ है उनके लिए भी, मंदिर से जुड़ के रहो, इस्कॉन से जुड़ के रहो, इस्कॉन मूवमेंट को आगे बढ़ाओ, प्रचार करो, ये इंस्ट्रक्शन है। कई बार लोग बोलते हैं गिव मी सम स्पेशल इंस्ट्रक्शन, अरे एक इंस्ट्रक्शन ही काफ़ी है, गुरु का पूरा जीवन लग जाएगा, 16 माला अच्छे से जप करो। बताइए यहाँ पर हम में से कोई है जो बहुत क्या बोलते एकदम उससे कह सकता कॉन्फिडेंटली कि मैं 16 माला एकदम अच्छे से जप करता हूँ? कोई भी नहीं कह सकता। एक इंस्ट्रक्शन ही गुरु का वो पूरे जीवन भर के लिए हमारे लिए होमवर्क हो गया वो, तो और हम कर नहीं पाते। तो और ऊपर से हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए, वो कब पालन करेंगे हम लोग, है ना। तो इसीलिए ये जो बेसिक जो हमारे इंस्ट्रक्शन है वो हम अगर अच्छे से निष्ठा से पालन करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। देखिए गुरु तो गुरु, शिष्य भी कितने महान होते हैं, और बोलते ना फलिना परिचायते, एक वृक्ष का उसकी महानता उसके फल से हम जान सकते हैं। तो मैं अभी श्रीधर महाराज के बारे में पढ़ रहा था कुछ दिन पहले। तो क्या हुआ, श्रीधर महाराज जो जुहू टेम्पल में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया, और महाराज अंतिम समय में अपने उनको बीमारी हुई उससे शरीर छोड़ दिए। जब उनका अंतिम समय आ गया था तब उनकी एक शिष्य थी, तो वो माताजी क्या करी, वो माताजी का किसी से झगड़ा हो गया, किसी भक्तों से हो जाता है, तो वो जा कर के किसी दूसरे गौड़िया मठ में किसी व्यक्ति से दीक्षा ले लिया उन्होंने, मतलब इधर महाराज को छोड़कर दीक्षा ले लिया। तो महाराज के अंतिम समय मिलने आई वो माताजी। देखिए मैं ये गुरु के प्रति फेथ
और गुरु के प्रति कैसे फेथ नहीं होना, दोनों का एग्जाम्पल आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो वो जब आई महाराज से मिलने, तो बाकी जो गुरु श्रीधर महाराज के सभी जो सेक्रेटरी लोग थे वो बोले इसको क्यों अभी लाना, ये तो ऑलरेडी छोड़ के जा चुकी है, क्यों हम लोग उसको एंटरटेन करें। बट महाराज ने कहा नहीं कोई बात नहीं, वाहन दो, जो भी है जो भी उसने सेवा की मुझे स्वीकार है वो, और उसको मौका दे दो। तो वो महाराज से मिलने आई तो श्रीधर महाराज ने कहा उनको, ठीक है आप क्या करना चाहती है। तो उन्होंने कहा महाराज मैं ये आपकी सेवा करना, पर्सनल सेवा करना चाहती हूँ कुछ ये। बोले ठीक है आप कुकिंग सेवा करो, लेकिन आप किसी भी भक्त से मिलोगे नहीं, क्योंकि महाराज को पता आपका झगड़ालू नेचर है, आप जिससे भी मिलोगे झगड़ा ही करोगे, और आप इस्कॉन के बाहर कोई बात नहीं करोगे, आप कोई भी गौड़िया मठ ये सब की बात नहीं करोगे यहाँ पर। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज। कुछ दिन बीत गया, दो तीन दिन बीता, बट वही कंप्लेन आने लग गया, जिसका स्वभाव स्वभाव होता है, आप बदल नहीं सकते हो। वो माता जी जो है इसकी बात उसको लगा रही है, हाँ इस्कॉन में ये नहीं है, गौड़िया मठ है, समझ रहे ना, ये सब बातें जो टिपिकल करने लगी। महाराज ने उनको बुलाया, बोले देखो माता जी आई गेव यू चांस बट आई थिंक यू आर नॉट फिट फॉर इट, सो यू बेटर लीव, आई होल्ड माई हैंड्स एंड टेल यू यू बेटर लीव, आप चले जाओ। तो माता जी झगड़ा करने लगी महाराज से, श्रीधर महाराज से, सोचिए आप। वो बोलती है व्हाई शुड आई लीव, आई वांट टू सर्व यू। बोले नो नो यू लीव। बोले ओके आई हैव ब्रॉट ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई गुरु महाराज फॉर यू। कौन गुरु महाराज? जो अभी जो प्रेजेंट गुरु है। तो बोले ओके यू एक्सेप्ट हिज ब्लेसिंग्स। उन्होंने तो महाराज ने कहा आई डोंट नीड एनी अदर्स ब्लेसिंग्स दैन श्रीला प्रभुपाद। तो महाराज ने कहा आई एम सर्वेंट ऑफ प्रभुपाद एंड आई डोंट नीड एनीबडी एल्स ब्लेसिंग्स एंड आई वॉन्ट टू डाई रिमेंबरिंग प्रभुपाद, दैट्स ऑल। तो माता जी ने कहा नो नो बट ही इज ऑल्सो एन एडवांस्ड वैष्णव एंड ही इज मर्सीफुली सेंडिंग हिज ब्लेसिंग्स फॉर यू बिकॉज यू आर लिविंग दिस वर्ल्ड नाउ। तो वो बहुत कृपा करके आप पर अपना अनुकंपा भेज रहे हैं, आप स्वीकार कीजिए। तो श्रीधर महाराज ने कहा सी फॉर मी माई होल लाइफ एंड सोल इज प्रभुपाद, इन माई लाइफ आई हैव नेवर नोन एनीबडी एल्स एंड टिल माई लास्ट ब्रेथ आई डोंट वॉन्ट टू नो एनीबडी एल्स। मैं प्रभुपाद जी के प्रति मेरा जो श्रद्धा है वही रह दे दो और उनसे कहिएगा जा करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो उनके सेक्रेटरी थे जो ये इंस्टेंस लिख रहे थे वो बता रहे थे महाराज ने कितना केयरफुली इसको डील किया। क्यों? अगर महाराज उस समय एज अ हम्बल वैष्णवा एक्सेप्ट कर लेते उनकी ब्लेसिंग, तो महाराज जाने के बाद वो माता जी क्या प्रचार करती पता है आपको? देखो तुम्हारे गुरुदेव ने इनका ब्लेसिंग स्वीकार किया तो ये सुपीरियर है, अब तुम सब इधर आ जाओ। आप समझ रहे बात को कि आप अभी तुम इनका इनसे दीक्षा ले लो, क्योंकि महाराज तो चले गए और महाराज ने इनको स्वीकार कर लिया। देखिए मैं ये क्यों बताया एग्जाम्पल, हमारे गुरु के प्रति हमारी लॉयल्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो गुरु के प्रति श्रद्धा हमारी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि दुनिया में कोई दूसरा कितना ही महान व्यक्ति क्यों ना आ जाए, कोई कितना कैरिज्मेटिक व्यक्ति, कितना ही बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति क्यों ना आ जाए, हम हमेशा अपने गुरु को सामने रखेंगे, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, कई बार जो लोग हैं तो हो सकता है उनके गुरु महाराज उतने कैरिज्मेटिक ना हो या उतने कोई बड़े परफॉर्मर ना हो, तो लोग सोचते हैं अरे मेरे गुरुदेव उतने बड़े पॉपुलर नहीं है, ऐसा कभी इस्कॉन में हो जाता है। बट ये गुरु शिष्य के रिलेशन को समझना चाहिए, ये कोई व्यक्तिगत एक नहीं है कि ये व्यक्ति मेरा गुरु है। गुरु एक तत्व है जो स्वयं नित्यानंद प्रभु से आ रहा है, वही नित्यानंद प्रभु वही बलराम जी हमको इस व्यक्ति के द्वारा इंस्पायर कर रहे हैं। तो अभी जब हमारे गुरु महाराज यहाँ प्रेजेंट है तो वो व्यक्ति बलराम जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको बहुत सम्मान दे रहे हैं। ऑफकोर्स वो सम्मान्य है, ऐसे भी सम्मान्य है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बलराम जी को, नित्यानंद प्रभु को, ये जानना चाहिए। और जब वो नहीं है, वो नहीं है तो उन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव बनाए हैं, जो आपके शिक्षा गुरु हैं या टेम्पल अधिकारी हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बलराम जी को। तो क्या हुआ, कई लोग जब श्रीला प्रभुपाद जी चले गए तो कई लोग ऐसा फील करने लगे कि हम अभी असहाय हो गए, हमें कौन शेल्टर देगा, हमें हम किस के पास जाएं। तो एक बहुत बड़ा वो आ गया था, क्या बोलते हैं, इस्कॉन में भी एक बहुत बड़ा सा भूचाल आ गया था,
सब लोग का विश्वास टूटने लगा, सब लोग का। तो मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ गिरिराज महाराज का, वो अपनी किताब में लिख रहे थे। तो क्या हुआ, उस समय कुछ जो लोग थे कुछ अपने अपने गुरु बन गए, कुछ लोग नियम पालन करना छोड़ दिए, तो कुछ इधर उधर भटक गए। तो गिरिराज महाराज ने सोचा कि अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करूँगा, मैं केवल प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनूंगा और प्रभुपाद जी मेरे गुरु रहेंगे, बस मैं उनके ही बारे में सुनूंगा। तो गिरिराज महाराज ये सोच रहे थे, तो एक बार तमाल कृष्ण महाराज आए थे उनके उधर जिस स्थान पे महाराज थे, और तमाल कृष्ण महाराज बैठ के जप कर रहे थे, और गिरिराज महाराज जी उस दिन रात को प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, प्रभुपाद जी से, कि प्रभुपाद आई नीड गाइडेंस, आई नीड हेल्प, आई एम अलोन, मैं अकेला हो गया हूँ और मुझे हेल्प। देखिए इस्कॉन में ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो ये फील करते हैं कि मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे गाइडेंस चाहिए। अकेले भक्ति को लेकर चलना आसान नहीं है, क्योंकि माया देवी बहुत स्ट्रांग है और वो धीरे धीरे भक्तों को जो है कमज़ोर बना देती है, धीरे धीरे आप देखोगे कमज़ोर बन जाते हैं लोग। इसीलिए वी शुड सीक गाइडेंस। तो गिरिराज महाराज जी जो हैं ऐसी बहुत एलोन फील कर रहे थे कि मुझे भी कुछ हेल्प चाहिए। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग वो जपा में बैठे और तमाल कृष्ण महाराज को देखा, हालांकि उनके गॉड ब्रदर है, और महाराज को देखते ही उनके मन में आया ही इज योर शिक्षा गुरु, इनको शिक्षा गुरु अपॉइंट स्वीकार करो। और महाराज जप में ही, तमाल कृष्ण महाराज जप कर रहे हैं और गिरिराज महाराज जाके उनको बोलते हैं, महाराज वुड यू लाइक टू बी माई शिक्षा गुरु। तो तमाल कृष्ण महाराज बोले, वॉट, अरे आई एम योर गॉड ब्रदर, मैंने हम सब समान एक ही गुरु के वो हैं। बोले नो, बट यू आर एडवांस देन मी, यू विल यू एक्सेप्ट मी एज योर माई शिक्षा गुरु। तमाल महाराज बोले यस आई विल एक्सेप्ट। तो गिरिराज महाराज को इतना शेल्टर फील हुआ, ऐसा लगा उनको कि जैसे प्रभुपाद जी वापस आ गए तमाल कृष्ण महाराज के रूप में। देखिए अगर आप जेन्युइनली गाइडेंस ही करते हो ना, आपके गुरु आपके पास पहुँचेंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल रूप में आए, ये जरूरी नहीं है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जो आपको इंस्पायर कर देगा, तो 100% ये होगा, बिकॉज ये गुरु तत्व है। बट प्रोवाइडेड हम वैसी प्रार्थना कर रहे हैं, हम वैसा गाइडेंस, ऐसे अनेक अनेक उदाहरण है, अनेक अनेक उदाहरण। भक्तिदित्त महाराज से एग्जाम्पल बताता हूँ। भक्तिदित्त महाराज के बारे में मैं पढ़ रहा था कल, तो क्या हुआ, भक्तिदित्त महाराज एक बार प्रभुपाद जी को व्यास पूजा ऑफरिंग लिखे थे, तो ऑफरिंग में उन्होंने लिखा कि प्रभुपाद आपने ये सुंदर इस्कॉन बनाया, लेकिन अभी यहाँ पर कई भक्त है जो लोग शायद खुश नहीं है, शायद मैनेजमेंट से या अपने अपने खुद की साधना से, और कई लोग छोड़ के जा रहे हैं या कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कई लोग। तो जितने भी लोग इस्कॉन में हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी जितनी तकलीफें हैं वो मुझ पर आ जाए और सारे भक्त इस्कॉन में खुश हो जाए। जैसे वासुदेव दत्त ने प्रार्थना की थी प्रहलाद महाराज के रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु को कि हे महाप्रभु, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के पाप मैं ले लेता हूं और सबका उद्धार कर दो। सोचो प्रहलाद महाराज का मूड है ये कि सबका पाप मैं लेता हूं और तुम सबका उद्धार कर दो। महापुरुष ने कहा कितना का पाप लोगे, यहाँ एक ये धरती राई के समान है, ये ब्रह्मांड ये तो बहुत छोटा सा स्थान है। वही मूड में भक्तिदेव महाराज ने प्रार्थना की थी प्रभुपाद जी से, लेकिन शायद उनको क्या पता था कि बहुत जल्दी प्रार्थना सुन ली जाएगी और तुरंत ही जय श्री राधा मदन मोहन श्री गौ नेता शिला प्रभुपाद की जाए, तुरंत ही उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया तुरंत ही, और बहुत खतरनाक वाला। और भक्तिदित्त महाराज जो है एक बहुत ही स्टॉलवर्ट प्रचारक थे, जबरदस्त प्रीचिंग करते थे जबरदस्त। तो धीरे धीरे उनका ट्रैवलिंग कम हो गया, धीरे धीरे उनको वो गीता नगरी उनका एक स्थान था, वहाँ पर जाकर के वो जो है वो पूरा बेड रेस्ट बेड पे आ गए। लेकिन उस दौरान क्या हुआ, देश विदेश से भक्त आने लगे भक्तिदित्त महाराज के पास उनसे मिलने के लिए, और महाराज सबको टाइम देते थे सबको। और महाराज का शरीर बहुत पेन था, उनका एक पाँव एम्प्यूट कर दिया गया था, एक पाँव काटना पड़ गया था बीमारी की वजह से। लेकिन महाराज जब सबको समय दे रहे थे तो महाराज उन लोगों को ऐसी ऐसी बातें बता रहे थे, कोई भी आता था समस्या लेकर के और महाराज उनसे मिलते थे 5 मिनट और उनको बताते थे कुछ ही, और वो उछलते कूदते हुए निकलता था रूम से, बोलता था आई गॉट माई आंसर। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज उनके बगल में बैठे हुए थे, तो भक्तिदित्त महाराज ने उनको कहा था आई वॉन्ट टू डाई इन योर आर्म,
मैं आपके बाहों में मरना चाहता हूँ। तो 7 हफ्ते राधा महाराज भक्तित महाराज के साथ बैठे थे, 7 हफ्ते। सी दिस इज फ्रेंडशिप। अगर आपको फ्रेंडशिप निभानी है ना तो इस समय निभाइए। मैंने कितना अच्छा उदाहरण है, राधा महाराज जो उस समय खुद एक GBC एक प्रचारक, इतना बड़ा सेंटर उनका, सब छोड़ करके 7 हफ्ते एक अपने मित्र के लिए बैठे हुए हैं। सोचिए ये है फ्रेंडशिप। तो इस कृष्णा के समय क्या नहीं हो सकता, और वो भी कैसा फ्रेंडशिप, एक ब्लैक एक वाइट, एक अफ्रीकन एक अमेरिकन, ये है ट्रांसजेंडर फ्रेंडशिप। तो राधा महाराज पूछते थे हाउ यू कुड डू दिस। अरे ये भक्त, मैं देख रहा हूं ये भक्त के मन में इतना प्रॉब्लम था, इतना समस्या था, बट हाउ यू कुड सॉल्व इट। भक्ति महाराज टोल्ड आई डोंट नो हाउ आई एम एबल टू डू दिस, बट समा अदर आई वॉन्ट एवरीबडी शुड बी हैप्पी इन इस कॉन, आई वॉन्ट दैट एंड आई एम प्रेइंग एंड प्रभुपाद इज वर्किंग थ्रू मी। तो भक्तिदित महाराज बोले, बताए लास्ट में कि मेरे पूरे जीवन काल में जो मैंने सेवा नहीं कर पाई, शायद आज मैं बीमारी लेकर कितना सेवा कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने भक्तों को मैंने सांत्वना दे दी कि मैंने भक्तों का मैं ख्याल रख रहा हूँ, और वो पूरे अंतिम समय तक भक्तों को हेल्प करते रहे, उनको काउंसलिंग करते रहे, उनको सांत्वना देते रहे कि बने रहो कृष्णा कौश में, बने रहो, छोड़ के मत जाना, इस कौन में बने रहो। कहने का मतलब ये है, ये ऐसे ऐसे आचार्य लोग हमारे इस मूवमेंट में आए हैं, प्रभुपाद जी की देन है, जो लोगों ने अपने जीवन को सार्थक तो बनाया ही है, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की सेवा में जाते जाते भी इतना कुछ करके चले गए कि आज उनके कृपा से कई भक्त लोग टिके हुए हैं। समझ रहे आप ये बात को? इसीलिए देखिए, अगर हम लोगों को अपने गुरु की सही सेवा करनी है ना, तो कई बार हम क्या मन में आता है, हम केवल अपने गुरु को दिखाते हैं, महाराज मैंने ये किया, महाराज मैंने ये किया, महाराज मैंने ये किया, और गुरु जाने के बाद हम बाकी भक्तों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं उसका कोई हमारा ठिकाना नहीं है, है ना। हम भक्तों से झगड़ा कर रहे हैं, उनका अपराध कर रहे हैं, खाली जब गुरु जी आएंगे तब गार्लैंड दिखा देंगे, महाराज मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं ही एकमात्र शिष्य हूँ आपका खारघर में जो बहुत अच्छा सेवा करता हूँ, बाकी सब तो हैं कर रहे हैं लेकिन मैं कुछ स्पेशल हूँ। तो ये मन में हमारा भावना आता है, लेकिन आपको पता नहीं है गुरु महाराज जी PhD है, उनको सब पता है कौन क्या कर रहा है ना। तो पॉइंट ये है, आप देखिए आप अपने गुरु के साथ कितने समय, हार्डली हम एक दिन में 5-10 मिनट, पर हम बाकी भक्तों के साथ कितने समय है ना। और गुरु जी बाकी भक्तों से पूछेंगे ये क्या करता है, ये हमसे थोड़ी पूछेंगे, वो हमारे बारे में बाकी भक्तों से पूछेंगे, भाई ये मंगल आरती आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये जप कर रहा है कि नहीं कर रहा ना। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम बाकी भक्तों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। दैट्स वाई प्रभुपाद जी अंतिम समय में क्या बोले जाते वक्त, इफ यू लव मी कोऑपरेट टू पुश दिस मूवमेंट फॉरवर्ड, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो समझौता करके इस मूवमेंट को आगे लेके जाइए। तो एक्चुअल गुरु भक्ति यही है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे समन्वय रख करके इतना सुंदर भक्ति करें कि गुरु भी प्रसन्न हो जाए, अरे ये लोग कितने अच्छे भक्त हैं, जैसे प्रचेतास को देख करके भगवान आ गए थे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया यही कोऑपरेशन करने का अपने गॉड ब्रदर के साथ, बट जब नहीं हुआ तभी, लेकिन जब अंत में कुछ भी नहीं बन पाया तब प्रभुपाद जी ने कहा कि अब शायद मुझे अपना ही कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, और उन्होंने इस्कॉन स्टार्ट किया। अब मैं आपको बता दूं, इस्कॉन जब प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया तो कई बार प्रभुपाद जी के शिष्य भी जो हैं वो भी गौड़िया मठ इधर तब जाने लगे कुछ शिक्षा लेने के लिए, करने के लिए। प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा किए, उसमें बोले इफ वन इंस्ट्रक्शन ऑल्सो इज डेविएटेड होल थिंग विल कोलैप्स। दैट्स वाई हम लोगों को प्रभुपाद जी ने जो इतनी मेहनत करके इस्कॉन बनाया है इसकी लॉयल्टी को बना के रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इधर उधर से और कुछ ज्ञान लेने की दरकार नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा आई हैव गिवन एवरीथिंग इन माई बुक्स, सब कुछ मैंने अपने ग्रंथों में दे दिया है, तो आप केवल वही पढ़िए उसको फॉलो कीजिए, आपका जीवन सफल है। समस्या ये है कि हम लोगों को प्रभुपाद जी के शब्दों में पूरा विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं पूरा विश्वास नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो प्रभुपाद जी ने सब कुछ दे दिया और कुछ दरकार ही नहीं है करने की, एवरीथिंग इज देयर इन प्रभुपाद बुक्स, ऐसा प्रभुपाद जी कहते थे। तो हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे फिर हम इस पर थोड़ा और चर्चा करेंगे, थोड़ा समय है हमारे पास। तो हाँ, शिला प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, जब मेरे गुरु महाराज उपस्थित होते तो बड़े से बड़े
विद्वानों को भी उनके नौसिखिय विद्यार्थियों से बात करने में डर लगता। मेरे गुरु महाराज जीवित विश्वकोश मतलब लिविंग डिक्शनरी कहे जाते थे। वे इतने विद्वान थे कि किसी से किसी भी विषय पर बात कर सकते थे और समझौता करना उन्हें आता ही नहीं था। तथाकथित संत अवतार योगी जो कोई भी झूठा था वह मेरे गुरु महाराज का शत्रु था। उन्होंने समझौता कभी नहीं किया। कुछ शिष्य बंधुओं ने शिकायत की कि यह प्रचार तो खंडनकारी तरीका है और सफल नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने उनकी आलोचना की उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। श्रीला भक्ति सिद्धांत सिंह गुरु के नाम से विख्यात थे। यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते जिसके बारे में वे जानते थे कि वह निर्विशेषवादी मत का समर्थक है तो वे उसे चुनौतीपूर्ण शब्दों में ललकारते हुए कहते, अपने मायावादी दर्शन से लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो। वे अपने शिष्य को प्राय समझौता न करने का उपदेश देते। किसी की चाटुकारी क्यों करते हो। वे कहते, तुम्हें बिना किसी चाटुकारिता के निरे सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए, धन तो जैसे तैसे आएगा ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। कई बार जो लोग थोड़ा हम व्यक्ति हमें कुछ फेवर देते हैं तो हम लोग अपने ही फिलॉसफी को डाइल्यूट कर देते हैं उसके लिए। तो बक्सा जी सिखा रहे हैं कि सत्य बोलने में कभी डरो मत, है ना। धन के लिए खाली ये मत सोचो कि कोई धन देगा तो उसको हम थोड़ा सा, है ना, जैसे वो बोल दे। कल ही मैं एक प्रवचन दे रहा था तो एक व्यक्ति अंत में एक प्रश्न पूछा मुझे मीट ईटिंग पर, ये कि हिंदुओं लोग भी मैंने ये मांस खाते हैं, और एक कुछ ऐसा उल्टा मैंने उल्टा प्रश्न पूछा। तो मैंने उसका मुँह तोड़ जवाब दिया उसको पूरा। मैंने मीट ईटिंग का पूरा खंडन कर दिया वहाँ पर ऐसे करके 5 मिनट वाला। अच्छा वो आपने मुझे मौका दे दिया बोलने का, मैं चाह रहा था ये बोलना दे दिया। तो हालांकि उसको थोड़ा सा वो फील हुआ कि अरे बाप रे ये तो पूरा थंडरबोल्ट आ गया मेरे पर, लेकिन बाद में आकर के वो मेरे सामने झुक गया, बोला आपने बहुत सत्य कहा, यही सच है। और हमारे हिंदू लोग ये सच का को सामना नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग जो है अपने ही धर्म को पालन नहीं कर रहे हैं और अपने ही धर्म की वो ग्लानि कर रहे हैं क्योंकि वो सत्य से डरते हैं। इसलिए आप देखिए अभी समाज में ज़रूरी है कि हम अपने लोगों कहें आप तिलक लगाओ, आप सीखा रखो, धोती कुर्ता पहनो। कई बार हमारे ही भक्त लोग धोती कुर्ता पहने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं और वो एक ऑकवर्ड फील करते हैं। ये इतना डर के रहना कोई हमारे कोई सेंस नहीं है। इनफैक्ट मैं तो सोच भी रहा था, एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि हमें एक फेस्टिवल रखना चाहिए, धोती कुर्ता फेस्टिवल। जैसे अभी आप वृंदावन में देखोगे 5000 यूथ को जो बुला करके वो फेस्टिवल किया ना, कितना बढ़िया था। मैं उस फेस्टिवल में था, आपको पता है जो भी जीन्स पैंट शर्ट में आ रहे थे ना उनको गेट से वापस कर दे रहे थे, आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, प्रसाद चाहिए धोती कुर्ता पहन के आओ। और बाहर धोती कुर्ता काउंटर था, हाँ खरीद के, और चेंजिंग रूम भी था, यहाँ खरीदो पहनो और फिर अंदर घुसो तो प्रसाद मिलेगा। बोला गजब है ये तो। और कई नए नए विद्यार्थी आए थे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, और वो लोग बहुत खुश फील कर महसूस करते कि वाह बहुत अच्छा कल्चर है ये। हमें भी ऐसा करना चाहिए कि धोती कुर्ता कल्चर लाना चाहिए। आप देखोगे जब मुंबई के सड़कों में लोग धोती कुर्ता पहने घूमेंगे लोकल्स में, आपको कितना कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। आप जब गीता बांटोगे उसमें लोकल में तो लगे अरे मेरे बिरादरी का लोग मिल गया मेरे को, धोती कुर्ता पहना हुआ है या तिलक लगा हुआ है, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है अगर हम एक धोती कुर्ता पहना हुआ तिलक लगाया व्यक्ति को देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कल्चर हमारे भक्तों को लाना होगा। खास गृहस्थ भक्तों से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जहीं भी आप जाए आप धोती कुर्ता पहनिए और तिलक लगाइए और लोगों को कहिए तुम क्यों शर्माते हो तिलक लगाने में धोती कुर्ता पहनने में। तो आप देखिए धीरे धीरे कल्चर बढ़ेगा। इसलिए बक्साराव जी कहते थे कभी भी निरे सत्य को प्रस्तुत करने में डरना नहीं चाहिए। बक्साराव जी तो ऐसा था, कभी ट्रेन में चलते थे ना, कोई स्टेशन आया गाड़ी रुक जाती थी और वो बैठ जाते थे व्यासासन लगा करके, और सारे मायावादी लोग बोलते थे आ जाओ किसको विवाद करना है, और उनको हराते थे। कई बार उनके लिए ट्रेन 2-2 घंटा रुकती थी, मैंने ऐसा सुना है ट्रेन 2 घंटा रुक जाती थी क्योंकि इधर विवाद चल रहा है। तो ट्रेन को बोलते थे उस समय तो यही सिस्टम होगा, बोले अरे अभी हरी झंडी दिखाना मत, लाल झंडी लगा के रखो, हाँ तो विवाद चल रहा है। लोग डरते थे उनसे
क्यों? इतने स्ट्रांग प्रचारक थे कि किसी से डरते नहीं थे भक्त साहब जी, और लोग जो हैं जैसे ही जानते थे अरे ये सरस्वती ठाकुर आ रहे हैं, सारे मायावादी छुप छुप के भाग जाते थे, गली से पतली गली से निकलते थे। सोचो क्या उनका खौफ रहा होगा। अच्छा बात है, ऑफकोर्स अगर हमारा ऐसा खौफ रहे, नॉट लड़ाई दंगा में नहीं, लेकिन एटलीस्ट वाद विवाद में भी अगर हम इतने स्ट्रांग रहे, हाँ, तो जैसे श्याम भैरव प्रभु अभी कुछ दिन पहले वो डिबेट में करते, ये अच्छा है। कुछ लोगों का, कुछ लोग ऐसे आगे आना पड़ेगा जो लोग इन लोगों को जवाब दे, इनका मुंहतोड़ जवाब दे हमारे शास्त्र में, नहीं तो ये लोग हमारे ही शास्त्रों का खंडन करके और हमें ही झुकला देंगे। जैसे कुछ मूर्ख लोग अभी निकल रहे जो बोलते हैं रावण बड़ा महान था, है ना, और कई बार अभी जैसे हम लोग घर में भी चर्चा होती है, अभी से मैं घर में था, मैं मेरी सिस्टर के मैरिज में गया था तो वहाँ पर चर्चा होने लगी रावण बड़ा विद्वान था। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मतलब क्या विद्वान था? मैं बोला उसको खाली ज्ञान था लेकिन विद्वान नहीं था वो, जिसका चरित्र ही हीन हो वो काहे का विद्वान। तब सबने कहा सही बात बोला, जिसका कोई चरित्र नहीं है वो किस प्रकार का विद्वान? केवल ज्ञान अर्जन करने से कोई बड़ा महान नहीं बन जाता, वो तो कोई किताब पढ़ के भी ज्ञान अर्जन कर लेगा, बट असली आपकी विद्वत्ता है जब आपका चरित्र सुंदर है, आपका चरित्र में जब आपके गुण है तब वो असली विद्वान है। तब सबने समझा रहे हाँ, और तब सब लोग कहने लगे ये हमें कोई बताता ही नहीं कभी। मतलब तुम लोग कभी सुनने आते हो? कभी आप लोग आते हो प्रवचन में सुनने के लिए? कल भी जब मैं वहाँ प्रवचन दिया एक नए स्थान पर दिया था, तब कुछ लोग आके मुझे कहे कि आज तक कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला हम लोग को कि ऐसा भी नॉलेज है, ऐसा भी ज्ञान है। मतलब देखिए प्रभुपाद जी कृपा से ये ज्ञान पूरे विश्व में बट रहा है, लेकिन आप लोग को आगे आना होगा। तो इसीलिए हम लोगों को, खास करके हमारे इस्कॉन के भक्तों को, बहुत एक्टिवली इसमें आगे आना पड़ेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, दुनिया में कई लोग बैठे हैं जो लोग अभी तक इस्कॉन फिलॉसफी से अवगत ही नहीं हुए, और जिस दिन वो अवगत हो गए तो आपको मैं 100% कह सकता हूँ और दुनिया में कोई फिलॉसफी नहीं है जो हमारी फिलॉसफी को टक्कर भी दे सके। इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। चैतन्य महापुरुष का जो दर्शन है, जो उनका फिलॉसफी है, वो पॉसिबल है। मैं एक बार एक महाराज से पूछा था कि महाराज मेरे कॉलेज डेज में कि मैं क्या कौन से बुक्स पढ़ूं, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था बहुत सारे किताबें पढ़ने में। तो उन्होंने कहा आप श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत पढ़ लो, और उसके बाद तुम आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ लो, आपको इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो यही हुआ, जैसे ही मैंने भागवतम और चैतन्य पढ़ा मैं कन्विंस हो गया। मैं बोला इससे ऊपर कुछ है ही नहीं दुनिया में, और अभी जो भी हो बट नथिंग इज बियॉन्ड दिस, इज नॉट पॉसिबल। तो आप सोचिए हम हीरे लेके बैठे हैं अपने साथ, बट फर्क वही है हम बांट नहीं रहे इसको। इसलिए चैतन्य महापुरुष ने एक बार कहा था कि अरे मैं तो कृष्ण प्रेम रूपी बहुत फल उगा रहा हूँ लेकिन मैं अकेला पड़ गया हूँ, बांटने के लिए कोई नहीं है मेरे पास, इसलिए तुम लोग आ जाओ बांटने के लिए। तो हम सब जो गीता वितरण कर रहे हैं आज, हम जो जा रहे हैं ये ज्ञान बांट रहे हैं, हम महाप्रभु को हेल्प कर रहे हैं हम ये कृष्ण प्रेम बांटने के लिए। इसलिए प्रचार ही सार है, हर एक व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए। जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको बताओ कृष्ण के बारे में, उसको गीता के बारे में बताइए। और लोग बैठे हुए हैं, हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं, खासकर हम लोग सैफरन में जब जाते हैं, यकीन नहीं मानोगे हम लोग आपको जब करते रहते बढ़ते रहते हैं, जैसे स्टेशन आता है ना लोग अपने से आगे के पूछते हैं आप इस्कॉन से है क्या, थोड़ा हमें बताएंगे इस्कॉन के बारे में क्या प्रोसेस है, क्या ये है अपने आप। और यूथ देखते हैं तो मुझे तो कई लोग आके मिलते बोलते हैं कि थोड़ा टाइम दोगे क्या, थोड़ा काउंसलिंग चाहिए आपसे अपने आप। तो मैं ये फील करता हूँ इतने लोग हैं जो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बट हमारे पास समय नहीं है। और कुछ प्रचारों से क्या होगा, सबको प्रचारक बनना पड़ेगा, सबको प्रचार करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि हम लोग सब शुद्ध भक्त बनाए, नहीं, केवल अगर हम उस व्यक्ति को ये भी बता दें कि कृष्ण भगवान है, तुम्हारा सनातन धर्म है, तुम गीता को अपनाओ, गीता को पढ़ो, आपने बहुत बड़ा प्रचार कर दिया। केवल इतना ही बताना है आपको, कृष्ण परम भगवान है, गीता हमारा ग्रंथ है, और तुम चार नियम का पालन करो, एक अच्छा जीवन जियो। देखिए कितने लोग हैं, है ना। तो मैंने अभी रिसेंटली एक ग्रुप शुरू किया था गीता फॉर एवरीवन करके, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने कोई पर्सनल प्रोपागेंडा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जब वो ग्रुप बना था तो मैं क्लास देना स्टार्ट किया था हर वेनेसडे को। तो जो मेरा जो ड्यूटी मुझे हेल्प कर रहे थे उस ग्रुप में, बोले प्रभु जी 15 लोग भी नहीं जुड़े अभी इसमें, मतलब चिंता मत करो कंटिन्यू करो क्लास।
आज 350 लोग है उसमें, और वो लोग उस पर लगभग लोग आते हैं। कल मुझे एक लड़का आके मिला, मुझे पता भी नहीं है, वो क्लास बस चले जा रहा है, तो वो समझो यूट्यूब में चला जाता है और चला जाता है। कल मुझे लड़का आके मिला, बोले प्रभु जी मैं आपका हर वेनेसडे क्लास अटेंड कर रहा हूँ, और मुझे जब भी मेरे जीवन में कोई डाउट आता है तो मैं वो प्लेलिस्ट में एक लेक्चर लगा सुन लेता हूँ, और मुझे मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा तो हृदय गदगद हो गया, मैं बोला बाप रे, मैं आज तक मिला भी नहीं इस व्यक्ति से, लेकिन ये समाओ अदर इंटरनेट के थ्रू लेक्चर सुन करके भक्ति कर रहा है। तो आप समझ नहीं सकते हो, ये खाली मेरी बात नहीं है, आप सबकी बात है। अपना अपना चैनल खोल दीजिए, यूट्यूब में लेक्चर दीजिए। आप ये मत सोचिए मैं कोई बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँगा कोई क्या सुनेगा। अरे चिंता मत करो, सबके कस्टमर बैठे हैं यहाँ पर। आप एक ऐसी बात बोलोगे जो सुनने के लिए लोग हैं, इतने फालतू फालतू चीज लोग सुन रहे हैं तो उनसे तो अच्छा ही बोल रहे हैं हम कम से कम, है ना। क्या क्या बेकार चीजें लेके लोग यूट्यूब में चला रखे हैं, देखते नहीं हो, घंटे घंटे आते रहते हैं, फालतू की चीजें बोल रहे हैं, कुछ तर्क नहीं है, कुछ तर्क नहीं है। तो हम लोग को तो कुछ वैल्यूबल है, हमारे पास तो कितना वैल्यूबल चीज है। इसीलिए एवरीबडी शुड प्रीच, हर कोई को प्रचार करना चाहिए। जाइए आप इंटरनेट पे छा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप फेमस हो गए तो वाह वाह हो जाएगी, आप बड़े प्रचारक बन जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए 5 लोग को पकड़िए और उनका क्लास शुरू कीजिए। गीता से एक श्लोक लीजिए, जो आपने सुना है सुना दीजिए। प्रभुपाद जी कहते थे, तो किसी ने पूछा प्रभुपाद जी हाउ कैन वी प्रीच, प्रभुपाद जी ने कहा जस्ट स्पीक व्हाट आई से। तो एक ड्यूटी ने ऐसा ही किया, तो एक वृंदावन में क्लास दे रहे थे, तो उन्होंने ना अपना ऐसे ठंड का समय था स्कार्फ रख लिया, और अंदर में यहाँ पर माइक्रोफोन था, उनका ईयरफोन था, और प्रभुपाद जी का लेक्चर चल रहा था। तो प्रभुपाद जी का लेक्चर धीरे धीरे बोल रहे थे प्रभुपाद जी, तो वो प्रभुपाद जी को सुनते थे दो वर्ड और वही बोलते थे लेक्चर में। तो क्लास खत्म हुआ तो सारे लोग बोले व्हाट ए क्लास यू गेव, अमेजिंग, ऐसा लगा से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। बोले प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्योंकि मैं वही रिपीट करा जो प्रभुपाद जी ने कहा। तो एक्चुअली ये फैक्ट है, तो ज्यादा कुछ बड़ा करने का दरकार नहीं है कि हम लोग कोई बड़े हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, ये हो, नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट प्रभुपाद जी का हम एक पेज पढ़ के गए, वही आप बोलते जाइए, और आप देखिए क्या क्रांतिकारी हो जाएगा। ऐसी तो लोग भक्त बनाए हैं, दिस इज रिक्वायर्ड। तो आज हमारे समाज में ये बहुत जरूरी है कि एक्चुअली इस्कॉन का हर एक डिवोटी, अगर वो भी दो दो लोग को प्रचार करना शुरू कर देना, और केवल दो लोग को लाए, साल में पूरे एक साल में केवल दो लोग को आप जप कराओ, आप देखो कितने भक्त बन जाए। अगर आज इस्कॉन हमारे इस्कॉन खारगर में 1000 कांग्रीगेशन अगर है, मान लो 1000 लोग जुड़े हुए हैं, साल में केवल दो लोग को वो जप करा दे, दो लोग, तो 2000 नेक्स्ट ईयर बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे, सोचिए आप 2000 बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोग के पास इतने लोग आते हैं अभी भी, क्योंकि समाधान हम प्रीचिंग कर रहे हैं, टाइम नहीं है देने के लिए सच में। और कई बार मुझे बहुत दुख होता है कि मतलब हम टाइम नहीं दे पा रहे लोगों को, कितने अपनी भी कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो अगर आज और प्रचारक हो जाएंगे तो कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना प्रचार होगा, कितना लोग और बढ़ेंगे, भक्त बढ़ेंगे। इस्कॉन की तरफ लोग देख रहे हैं कि ये कुछ करेगा, हमारा हिंदू समाज सनातन धर्म जो है वो इस्कॉन की तरफ देख रहे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग मतलब कई बार शायद अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और हम सोचते हैं अरे छोड़ो ना, दुनिया का जो होना है होना है, मेरा क्या जा रहा है। ये सही चेतना नहीं है, ये प्रहलाद महाराज की चेतना नहीं है, प्रभुपाद जी की चेतना नहीं है। आप सोचो अगर प्रभुपाद जी सोच के बैठ जाते वृंदावन में हमारा क्या होता आज, प्रभुपाद जी ये सोच के बैठ जाते वृंदावन में, अगर एक व्यक्ति बैठ जाता वृंदावन में कि मैं तो जा रहा हूँ भगवत धाम, नो डाउट जाते भगवत धाम, तो हमारा क्या होता आज। हाँ, इसीलिए आप सोचिए, आपके एक प्रयास से एक जीवात्मा का जीवन अगर सुधर गया, आप सोचिए कितना बड़ा श्रेय आपको मिलेगा, एक व्यक्ति का अगर आप जीवन सुधर गया तो, एक व्यक्ति का। तो इसीलिए हमें कभी भी नहीं सोचिए कि हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम क्या प्रचार करेंगे, नहीं, आपने जितना सीखा है उतना ही कर दो। कई बार जब मैं सोचता हूँ कि अरे मेरे में तो कोई योग्यता नहीं है कि मैं किसी को भगवत धाम लेके जाऊँ, फिर मैं सोचता हूँ बोला किसने तुमको भगवत धाम ले जाने के लिए, एटलीस्ट हम जिस स्तर पर है वहाँ तक तो ले आओ, एटलीस्ट वो तिलक लगाए, जप करे, गीता पढ़े, इतना तक तो ले आओ, बाकी फिर प्रभुपाद जी देखेंगे। तो यही कार्य अगर हम करते रहेंगे, आप देखिए बढ़ता जाएगा, और भक्तों की संख्या इतनी बढ़ती जाएगी, मंदिर कुछ नहीं है बनाना, ऐसे 100 मंदिर खड़े हो जाएंगे, इतना धन है, इतना रिसोर्सेस है लोगों के पास, इतना, और लोग बैठे हुए देने के लिए, लोग बैठे हुए, एक एक शादी में करोड़ करोड़ रुपए खर्चा कर रहे लोग, क्यों नहीं कर सकते।
बट वही है, कोई बोलने वाला नहीं है उनको जा करके कि तुम्हें क्या करना है। कल मुझे एक नया व्यक्ति मिले वही प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि कर्म योग क्या होता है, कैसे करना है। तो मैंने कहा उनको कि जो आप धन कमाते हो उसका मंदिर में दान दे दो कुछ परसेंट। बोले तो गजब है, हमें पता ही नहीं था। बोले यही कर्म योग है, यही कर्म योग है। तो ठीक है, आपसे हम डोनेशन देना शुरू करेंगे मंथली। बोला बहुत अच्छी बात है, दे दो। तो लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग को करना क्या है, पैसा रखे हुए हैं बट वेयर टू गिव पता ही नहीं है। तो इसलिए जरूरत है अभी हम लोगों को थोड़ा सा और सशक्त होकर के, जागरूक होकर के बाहर निकलने की और लोगों को बताने की कि तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है और उसे ऐसे व्यर्थ मत जाने दो। तो यही प्रीचिंग मूड जो है भक्षणाकुर जी प्रभुपाद जी को दिए और प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को दिया। और यकीन मानिए प्रभुपाद जी के शिष्यों में आज देखिए आप गुरु महाराज का मूड देखिए। महाराज का एक स्टेटमेंट भी है, इफ यू आर नॉट प्रीचिंग यू आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियस 50%। अगर आप प्रचार नहीं कर रहे हो तो आप भक्ति केवल 50% फॉलो कर रहे हो। आप प्रचार मतलब ये नहीं जो केवल व्यासासन में बैठ के लेक्चर देता हो, प्रचार एक जो हलवा बांट रहा है बैठ के वही प्रचार कर रहा है। क्यों? एक उसका अच्छा व्यवहार, एक भक्त जो आज जा वो हलवा लेने जा रहा है और वो हलवा बांटने वाला डिवोटी उसको प्रेम से कहता है थैंक यू प्रभु जी दोबारा मंदिर आना, अगर वो ये भी कहते मुस्कुरा करके ये प्रचार है, वो व्यक्ति कितना खुशी से जाएगा आप सोचिए। आपसे एक अभी कुछ दिन पहले एक डिवोटी ने मुझे मैसेज में लिखा कि प्रभु जी मैं मंदिर आई, एक माता जी थी मंदिर आई, किसने मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, अब मेरा मन कर रहा है मैं मंदिर और नहीं आऊँ, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने मन ही मन सोचा देखो वो जो भी भक्त होगा जिसने अच्छा व्यवहार नहीं किया, चलो उसने अच्छा तो कुछ किया नहीं लेकिन उसने कितना बुरा काम किया कि इसका एंथुसियम कम हो गया। आपको पता है आप केवल उत्साह से डांस भी कर रहे हो यहाँ पर वो भी प्रचार है। क्यों? क्योंकि आपको देख के 10 लोग नाचेंगे, आपको देख करके 10 लोग नाचेंगे, अरे जब ये इतना खुश रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकता हूं। ये फैक्ट है। तो इसलिए प्रचार का कोई डेफिनेशन नहीं है कि जो व्यासासन में बैठता है बड़ा बड़ा प्रवचन देता है वही प्रचारक है। नहीं, हर एक इंटरेक्शन, हर एक जो हम भक्त से मिलते हैं वो इंटरेक्शन प्रचार है। और एक बात, प्रचार केवल नए लोगों को नहीं करना है, प्रचार अंदर के भक्तों को भी करना है। हम लोग क्या सोचते हैं, अब तो ये अपना प्रॉपर्टी हो गया, इस कौन में आ गया, तिलक लगा लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, डन, अब इसको मारो तोड़ो लात मारो कुछ भी करो। नो, भक्ति तीर्थ महाराज कहते थे 60% ऑफ योर टाइम, 60% आपका समय जो है वो भक्तों को प्रचार करने में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप भक्तों को उत्साह दोगे वो और नए भक्त बनाएंगे। तो अगर आपके भक्त लोग खुश नहीं है यहां पर और बाहर वालों का मंदिर लेके आओगे, वो लोग आके देखेंगे यहां बोलेंगे मत आ यार बेकार जगह है, एक बार इन्होंने अंदर आने के बाद ना ऐसे ही व्यवहार करते हैं, ये प्रचार नहीं है। तो इसलिए प्रचार क्या है कि हमारे जो 7 लोग हैं वो लोग उत्साहित हैं और उनका उत्साह देख के नए लोग और आएंगे, अरे हमको भी जुड़ना है, हमको भी जुड़ना है, हमको भी जुड़ना है। इस दुनिया में खुशी कौन तलाश नहीं कर रहा है, सबको तलाश कर रहे हैं, लेकिन दरकार है हमें वो माहौल बनाने की जहां पर एक्चुअल हैप्पीनेस है, जहां पर एक्चुअल प्रेम है। और ये कोई थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए कि खाली लेक्चर ने बोल दिया अरे चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी और बेचारा खुद रो रहा है अंदर से बट आई एम नॉट हैप्पी। यू चैंट एंड बी हैप्पी, भैया अपना हैप्पीनेस खुद संभाल लो बट आई एम नॉट हैप्पी, व्हाट इज दिस, देर प्रीचिंग नहीं है। तो वो हैप्पीनेस दिखना चाहिए सामने और लोग जब ये देखेंगे तो आप देखिए। अभी जस्ट एग्जाम्पल, मैं वेडिंग में बैठा था, मैंने गया था मेरी सिस्टर के वेडिंग में था, तो वहां पर जब फंक्शन खत्म हो गया तो मेरे कुछ रिलेटिव आके बैठ गए, बोले अब आप सुनाइए। बोला और क्या सुनाऊं, हो गया सारा फंक्शन खत्म हो गया। बोले नहीं 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 अभी आपका बाकी है। तो मैं कुछ कथा बताया, जगन्नाथ जी का कथा, पूरी में वेडिंग था तो बताया, वो लोग इतना खुश हो गए। और वो बोले नेक्स्ट दिन, वो बोले हमें पूरी दर्शन करना है। तो मैं बोला देखिए मेरे पास समय नहीं होगा, मैं तो बहुत बिजी हूँ। बोले नहीं जाएंगे तो आपके साथ ही जाएंगे। तो हमें 15 लोग को लेके गया मंदिर कीर्तन करते वक्त, फिर कथा किया। तो फिर मेरी एक सिस्टर ने कहा, कज़न सिस्टर, मेरा मन नहीं भरा और सीखना है मुझे, मतलब मुंबई आना पड़ेगा, आप इधर आ जाओ और आपको सीखने। तो मैं इसी देखा कि थोड़ा सा कथा हम लोगों को देते हैं, थोड़ा सा हम लोगों को बताते हैं भक्ति के बारे में, उनके अंदर एक जिज्ञासा आ जाती है, अरे ये कुछ तो मार्ग बहुत ज़बरदस्त है। और वो ये देखते हैं, जब वो हम लोग को डांस करते हुए देखते हैं ना, हम जब कीर्तन कर रहे थे तो हमारे पहले एक ग्रुप चला गया था, मतलब वो समझिए मंदिर दर्शन करके आ गया था पूरी का, और हम लोग एंटर कर रहे थे कीर्तन के साथ। तो ये ग्रुप वहां से देख करके हम लोग को सोच रहा है वापस जाएंगे मंदिर,
मजा नहीं आया, अब इनके साथ जा रहे हैं हम लोगों कीर्तन। क्यों वो आनंद? आप देखिए कहीं पर भी आप खड़े हो जाइए और आप कीर्तन कीजिए, नाचिए कूदिए, सब लोग आके देखेंगे कुछ तो हो रहा है यार, ये लोग कितने खुश है, कितने आनंद में है, कितने खुशी से है, है ना। तो मैं बस एक एग्जांपल देके यहाँ एंड करूंगा, क्या आनंद है भक्ति का। इंद्रदुम्न महाराज वो कैसे भक्ति में आए, तो जब वो जाते थे तो ऑफिस जाते थे तो एक चौराहे पर चार भक्त, उस समय विष्णुजन महाराज थे, चार भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे सुबह 9 से लेकर शाम 5 तक। जैसे हम लोग ऑफिस ड्यूटी होता है ना 9 to 5, वैसे प्रभुपाद जी ने इनको 9 to 5 कीर्तन ड्यूटी दिया था, 9 to 5 8 hours कीर्तन। तो ये जब जाते थे 9 बजे तो वहाँ कीर्तन करते हुए देख रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आनंद में है। और जब ऑफिस छुट्टा था शाम को तब महाराज देखते थे कि ये लोग कीर्तन कर रहे हैं और अभी भी उतने एक्सटेसी में, इनफैक्ट बढ़ गया एक्सटेसी। तो महाराज ऐसा कई दिन देखे, फिर एक दिन महाराज सोचा मैं भी हर दिन जाता हूँ जॉब पे और मैं खुशी खुशी जाता हूँ, फ्रस्ट्रेट होकर आता हूँ, और ये लोग जब जाते हैं तो ये लोग उस समय कम खुश रहते हैं और जब आते तो ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब ये जॉब ज़्यादा बेटर है। तो जाकर के पूछा उनसे तुम क्या करते हो, तो वही हरे कृष्णा बोले कम टू आर टेम्पल, और वो टेम्पल में आ गए। फिर मारे बोला अरे दिस इज बेटर जॉब देन अदर, उन्होंने सब मैंने जॉब वॉब छोड़ करके फिर धीरे धीरे पूरा इन्वॉल्व हो गए इंद्रदुम्न महाराज इसमें। उनका एक बहुत फेमस लेक्चर है द सिल्वर स्पून, बहुत फेमस लेक्चर है, कभी सुनोगे सुनना, इंद्रदुम्न महाराज का बहुत पहले दिया था उन्होंने, उसमें बताते हाउ आई बिकेम कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कहने का मतलब ये कि जैसे ही मैंने चीज देखा है कि जैसे ही नए लोग भक्तों को खुश देखते हैं ना, उनके अंदर एक जिज्ञासा आ जाती है कुछ तो है जो ये व्यक्ति एक्सपीरियंस कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूं, और वही उसको अट्रैक्ट करता है। और लेकिन जैसे ही वो भक्तों को निराश देखेंगे ना, वो बोलेंगे हाँ अच्छा हो गया, तू भी वही है मैं भी वही हूं, हम समान है। दैट्स व्हाई, तो इस जो मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला, मेरा पॉइंट ये था कि अभी मैराथन चल रहा है और शायद प्रभुपाद जी से खुश होंगे कि हमारा हर एक क्लास बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो ये समय है। देखिए कई लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं बाहर, कोई इस्कॉन का भक्त आएगा और मुझे एक गीता थमा देगा और मेरा जीवन सुधर जाएगा, वो इंतजार कर रहे हैं आपका। तो इसलिए बुक उठाइए और जाइए, केवल दिखा दीजिए लोगों को और कीजिए। मैं भी आज से जाने का प्रयास करूँगा, जो भी अपना शेड्यूल जो है, लेकिन हम सबको प्रयास करना है, हम सबको इस दुनिया में लोगों को भाग्यवान बनाना है। इस दुनिया में हमारा ये प्रण होना चाहिए कि मरने से पहले प्रत्येक व्यक्ति प्रभुपाद जी का बुक एक बार तो स्पर्श करना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए पूरे वर्ल्ड में। तो आज कितने लोग मर जाएंगे आज के दिन में, है ना, और उनमें से कई लोग होंगे जिन्होंने प्रभुपाद जी का बुक नहीं स्पर्श किया होगा, तो उनका जीवन शायद सफल नहीं हो पाया। लेकिन वो दिन ना आ जाए ऐसे लोगों के जीवन में कि बिना प्रभुपाद जी के संपर्क में आए वो चले जाए इस दुनिया से, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा उनका। इसलिए हमारा ड्यूटी है कि हम जाए और उनको प्रभुपाद जी की किताब के बारे में बताएं, तो शायद प्रभुपाद जी इस एंडेवर से खुश होंगे। शिला प्रभुपाद लीलामृत की जाय, शिला प्रभुपाद की जाय, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, शिला प्रभुपाद की जय।